पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भारतीय जनता पार्टी बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। साथ ही बीजेपी ने वाजपेयी की अस्थियों को 100 पवित्र नदियों में विसर्जित करने का फैसला किया है। बीजेपी की इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों पर बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। आपको बता दें, रविवार को दिग्गज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को उनकी दत्तक पुत्री नमिता ने हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया था। इससे पहले 5 किलोमीटर लंबी अस्थि कलश यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हुए थे। वहीं कल नई दिल्ली में वाजपेयी की याद प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत अलग अलग क्षेत्रों के और संगठनों के नेता मौजूद थे। विपक्ष ने जोर दिया कि सबको साथ लेकर चलने वाले वाजपेयी की विरासत को अपनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को एक ऐसी हस्ती करार दिया जो कभी दबाव में नहीं झुकते और ना ही विषम परिस्थितियों में कभी निराश हुए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की वजह से आतंकवाद वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वाजपेयी रणनीति में भी आरएसएस के कार्यकर्ता का अनुकरणीय जीवन जिए और हमेशा संगठन के मूल्यों के प्रति अटल रहे।